हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो चलिए, मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल लेके आऊँगी दुर्गा पूजा का, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेकअप। मैं अभी मेकअप में नहीं हूँ, जस्ट आप लोग के सामने मेकअप करूंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी कंपनी का प्राइमर लेना है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, और आपको इसे अपने फेस पे लगाना है। इसको लगाने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है, देन मॉइस्चराइज़र लगाना है और प्राइमर लगाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे रेवलॉन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, आज मैं कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी यहाँ पे हैक बताऊँगी, विदाउट कंसीलर आप अपने आपको अपने फेस को कैसे कंसील करें। मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर हाथों की हेल्प लेकर अपने जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि हाथों की हेल्प से भी जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से लगता है। और इसे बहुत अच्छे से अपने फेस पे, नेक पे, अपने कानों पे, जहाँ जहाँ भी लगे आपको लगाना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। कोई भी हार्श लाइन ना आए तो अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे सेम फाउंडेशन की एक डबल लेयर लगाऊंगी। अगर आपको पिंपल्स के दाग हैं या कोई और दाग हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी डबल लेयर। उसके बाद जो जिस ब्रश से मैंने पहले अपने मेकअप को सेट किया था, उसी ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर को भी सेट करूँगी। और काफ़ी अच्छे से सेट करिएगा, कोई भी हार्शनेस ना आए। जहाँ पे पिंपल्स के दाग हैं वहाँ भी आप इसे लगा के सेट करिए, ब्लेंड करिए, क्योंकि ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेकअप का। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। लेकिन और एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपके पास इनमें से कोई भी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो जो घर में आप पाउडर यूज़ करते हैं जैसे वाइट वाला पाउडर, आप वो भी लगा सकते हैं। बस मेन हमारा पर्पज़ क्या है कि ये जो प्राइमर एंड हमने फाउंडेशन लगाया उसे सेट करना है, क्योंकि गीले चीज़ को हम सूखी चीज़ से ही सेट करते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पाउडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम आई मेकअप करेंगे या फिर ब्लशर लगाएंगे वो सेट हो जाए। इसके बाद अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप जो जिस भी काजल का यूज़ करते हैं उसे ब्रश या हाथों में लेके अपनी आईब्रो पर लगाइए, और उसके बाद आपको ब्रश से उसे भी ब्लेंड करना है। क्योंकि ब्लेंडिंग अगर आप नहीं करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और अगर ब्लेंड कर लेंगे तो कोई मतलब आइडिया भी नहीं लगा सकता कि आपने कुछ लगाया है कि नहीं लगाया है। इसके बाद मैं 9 to 5 की जो लिप कलर लूँगी, और आज मैं आपको दिखाऊँगी कि लिप कलर से कैसे आप अपना आई मेकअप करते हैं। लोग बोलते हैं कि जो सिर्फ लिक्विड वाली है उसी से आई मेकअप हो सकता है। आज मैं दिखाऊंगी कि जो नॉर्मल लोगों के पास होती है ज़्यादातर, उससे भी मेकअप किया जा सकता है। तो मैं 9 to 5 की लैक्मे की लिप कलर लूँगी। इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, और मैं ब्राउन कलर का ले रही हूँ। उसे पूरी आईज पर लगाऊँगी, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, और उसके बाद अपने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। अगर ब्रश नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप फिंगर से हेल्प कर अपने इस मेकअप को ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने का पर्पज़ यही है कि कहीं पे ज़्यादा लग गया है और कहीं पे कम लग गया है तो आपको उसे इवन कर लेना है। इसके बाद सेम लिप कलर लेके एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं वाटर लाइन के नीचे, यानी जहाँ पर हम काजल लगाते हैं उसके थोड़ा सा नीचे, हम इस लिप कलर को और लगाएंगे, ताकि जो आँखों की खूबसूरती है वो थोड़ी और बढ़ जाए। इसके बाद मैं सेम अपना जो मेरे पास काजल था उसमें थोड़ा सा और कलर लूँगी, और अपनी आई लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैं आँखों के आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा यह ब्लैक पेंस काजल लगाऊंगी, और ब्रश की हेल्प से मैं एक थोड़ा सा वी शेप दूंगी और उसके बाद ब्लेंड करूंगी। सेम मेकअप मैं दोनों आँखों पे करूंगी। आप चाहें तो सिर्फ एक लिप कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं लेकिन थोड़ा सा उसमें उस लुक को इन्हेंस करने के लिए ब्लैक काजल लगा रही हूँ और उसके बाद ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर काजल लगाऊँगी, और सेम काजल से मैं आज आईलाइनर भी लगा रही हूँ। और मैं आज आपको अभी ये भी बताऊँगी कि जिस अगर आप काजल से आईलाइनर लगाते हैं तो वो काजल और जो आपका आईलाइनर है वो कैसे ना फैले। तो उसके लिए आप फिंगर से तो उतना नहीं अच्छा होता, या तो ब्रश की हेल्प से, या फिर जो आप ईयरबड, यानी जिससे कि आप कान साफ करते हैं उस वाली रुई की बड से, आप अपने काजल को स्मच कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि काजल और लाइनर बिल्कुल फैलेगा नहीं। इसके बाद मैं 9 to 5 का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाला है,
तो मुझे फेक लेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, और फेक लेसेस से आई थिंक उतना ज़्यादा अच्छा लुक वैसे तो देखने में आता है लेकिन नेचुरल लुक नहीं लगता है, तो इसलिए मैं फेक लेसेस से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ अपने मेकअप में। अब मैंने दोनों आईज़ पे मेकअप कर लिया है और मैं आज कंटोरिंग के लिए सेम लिप कलर ही यूज़ कर रही हूँ अपना 9 to 5 का, और कंटोर इसलिए करते हैं ताकि फेस की जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छे से हो जाए, यानी कि अगर आपकी नाक मोटी है तो वो पतली हो सकती है और फेस को भी एक अच्छा शेप मिले, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा गोल है तो मैं अपने चीक को थोड़ा सा पतला दिखाती हूँ। फोरहेड काफ़ी बड़ा है तो उसे थोड़ा छोटा करने के लिए भी मैं कंटोर करती हूँ, लेकिन कंटोर करने के लिए जो भी आपने लिप शेड लगाया है उसे आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, स्किन में बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है ताकि लगे ना कि आपने कुछ भी लगाया है। तो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से या फिर किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से सेट करिए, बिल्कुल भी ना लगे कि आपने कुछ लगाया है। इसके बाद मैं ब्लश का यूज़ कर रही हूँ, वैसे आप लिप कलर से भी ब्लश का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए किया, वरना आपके पास अगर पिंक शेड का कोई ब्लश हो या लिप कलर हो तो उससे भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब पूरे मेकअप को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, कहीं कोई हार्शनेस ना रह जाए। अब इस मेकअप को और अच्छा यानी इन्हेंस करने के लिए मैं जो है हाइलाइटर का यूज़ करूँगी। आपके पास अगर आई शेडो में हाइलाइटर है यानी सिल्वर कलर या फिर गोल्डन कलर, उससे भी आप लगा सकते हैं अपने आईब्रोज़ पे, नोज़ पे, अपने लिप्स पे, हर जगह इसे अप्लाई करिए ताकि जो फेस के यानी जितने भी उभार्स हैं, और मैं आई कॉर्नर पे भी इसे लगाऊंगी, फेस के जितने भी उभार्स हैं आपको वहाँ पे इसे लगाना है। सीधा सीधा फंडा ये है तो आप देख सकते हैं आईज़ के पास कितना अच्छा लग रहा है। और क्योंकि माता जी का मैं मेकअप कर रही हूँ, नवरात्रि मेकअप कर रही हूँ, तो बिना लाल कलर के ये पूरा नहीं होता है, तो मैं लाल कलर की इसीलिए मैंने अपनी बैंगल भी पहना हुआ है, लाल कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी और लाल कलर की बिंदी भी लगाऊंगी। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. तो फ्रेंड्स देखा, दिस इज़ माय फाइनल लुक, दुर्गा पूजा के लिए मैं रेडी हूँ। और मैंने फ्रेंड्स इसलिए ऐसे प्रोडक्ट ऐसे इसमें यूज़ किए हैं कि जैसे जो लड़कियाँ होती हैं वो जो आई शेडो है नहीं उतना अच्छा ले पाती हैं, और जो आप पाउडरी वाला लेते हैं उसका उतना अच्छा और शाइनी लुक नहीं आता है, इसीलिए मैंने जस्ट लिप कलर से आप लोगों को यहाँ पे फुल मेकअप बताया है कि अगर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास जो लिप कलर है किसी भी कलर की है तो वो किस तरह से अफोर्ड करें। आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, और मैंने थोड़ा सिंपल इसलिए रखा है और थोड़ा सा रेड इसलिए मिक्स किया है क्योंकि माता जी का फेवरेट कलर है रेड, और थोड़ा सा सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम डे में भी जा रहे हैं या नाइट में भी जा रहे हो और इस लुक के साथ हम डांडिया भी खेल सकते हैं, यानी आप इसे गरबा मेकअप, डांडिया मेकअप या दुर्गा पूजा मेकअप कोई भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ इस मैचिंग चूड़ियां ना पहन के हल्का सा रेड इसको दिया है टच का कि हल्का सा दुर्गा पूजा का रेड कलर भी इसमें ऐड हो। आई होप गाइस आपको यह मेरा लुक पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रात में 10 बजे मेरी लाइव चैट का वेट करिएगा, और 4:30 बजे आपको ये वीडियो तो मिल ही रहा है। बाय बाय।